नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद दोस्तों। अरे क्या बात है, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स। आइए शाबाश, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। फटाफट से, आज ये टुडे सैटरडे, कल संडे, कल तो मैराथन होगी। नेक्स्ट वीक से मैं आपके स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स लेकर आऊँगा। अभी एक ओवरव्यू देने के लिए, आपकी परसेप्शन बढ़ाने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा चेंज करने के लिए। लव यू टू माय डियर फ्रेंड। आपके आउटलुक, आपकी परसेप्शन, आपकी ओरिएंटेशन, आपके इंसाइट, इस सब के लिए हेल्प मिले आपको, तो मैं ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया की कहाँ कहाँ पर, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, लव यू टू, आपकी कहाँ, इंडिया की कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है, कौन कौन से ब्लॉक के साथ उसके पार्टनरशिप है, ट्रेड कैसा है, बायलैटरल इशूज़ कैसे हैं इंडिया के, और मतलब रिलेशन कैसे हैं, और इंटरनेशनल इशूज़ के अंदर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, बहुत ज़बरदस्त, सारे बच्चे आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, इसलिए आपको लेना प्लस सब्सक्रिप्शन। जल्दी से बात खत्म करूँगा। यहाँ पर आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन में, अपना कोर्स चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे। काफ़ी स्लो है आज। चलिए प्रभु जी, अरे ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइजिंग पेज। प्राइजिंग पेज में फॉर एग्जाम्पल आप 6 मंथ्स ऑप्ट करते हैं तो 6400 उसकी है प्राइजिंग। फटाफट से यहाँ पर एक रेफरल कोड आप एंटर करेंगे, कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस। एंटर करके अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप 6400 की जगह 5760 हो गया। ये आपको पे करना है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, पीडीएफ लेना है, टेस्ट सीरीज देनी है और अपना एग्जाम क्रैक करना है, बस बात खत्म। चलिए दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। हालांकि हम ये सोचते हैं कि इंडिया है और इंडिया का रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की बात मान रहा है, या फिर रशिया की बात मान रहा है, या इसराइल की बात मान रहा है, जापान की बात मान रहा है, साउथ कोरिया की बात मान रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात मान रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ अ सॉवरन कंट्री, जैसा कि आर्टिकल 1 में, सॉरी आपके प्रीएम्बल में लिखा भी है, इंडिया डेट इज, सॉरी आई एम सॉरी, वे द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सॉवरन का मतलब है हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, हम कोई भी डिसीजन लेंगे, उसके अंदर दूसरी कंट्री का प्रेशर नहीं रहेगा हमारे पे, हम प्रेशराइज होकर कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे। हमारी जो पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी, वो सभी की सभी हमारी इंडिपेंडेंट होगी। हम अपने हालात को देखकर, हमारे कैसे रिलेशन है दूसरी कंट्री से, हमारा आउटलुक कैसा है, उस बेसिस के ऊपर हम अपने सारे पॉलिसीज़ को बनाएंगे। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पहले सबसे पहले ये एक बार देख लेते हैं। मैं बहुत अटक रहा हूँ आज, क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर बाद में कर लीजिएगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले देखते हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर सबसे पहले पीस को मेंटेन रखना है, यही इंडिया का एक सोल मोटिव रहता है। हाँ जी, थैंक यू, बस सपोर्ट करते रहिए, हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज टू प्रमोट एंड मेंटेन अ पीसफुल एंड स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहेंगे कि ये मैंने डेवलप किया है, ये मेरा आउटलुक हो सकता है, या मेरी परसेप्शन हो सकती है, मेरी ओरिएंटेशन हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, ये सारा का सारा जितना भी मेरा मटेरियल रहता है वो या तो PIB का होता है। अब मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूँ, तो सारा का सारा मटेरियल ये MEA का है, ठीक है। तो आप मेरा विश्वास ना करें, लेकिन MEA का तो करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हाँ ये सारा मटेरियल उसका है, राइट। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी MEA के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है MEA, और इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए और है भी, वो यही कि हमें पीसफुल एंड स्टेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चाहिए, जिसके अंदर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और पॉवर्टी एलिवेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। बहुत जबरदस्त, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एंड द पॉवर्टी एलिवेशन। ये पहले सस्टेनेबल था, सस्टेनेबल, लेकिन उसके साथ इंक्लूसिव वर्ड भी यूज
किया है, बाद में ऐड किया था इसको, आई स्टिल रिमेंबर 2005-06 की बात है ये, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात निकली थी, इंक्लूसिव ग्रोथ, यस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात चली थी, 2004-05-06 की बात है ये, आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग। थैंक यू जी, थैंक यू, बादल हो रहे हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर हमारे पास चैलेंजेस भी ढेर सारे आएंगे और हमारे पास हिंड्रांसेस भी ढेर सारे आएंगे, लेकिन अभी हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी एक बार दोबारा से देखनी है। गिवन द हाई प्रायोरिटी अटैच्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपकी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन पीछे ना रह जाए, आपके सोसाइटी का कोई भी एक ऐसा कोई भी पॉपुलेशन है वो पीछे ना रह जाए, उनकी पार्टिसिपेशन गवर्नेंस के अंदर भी हो, जितने भी स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं उसके बेनिफिट हर किसी को मिले। कंसंट्रेट नहीं करेगी पावर एक हाथ में, और ना ही इंडिया की जो पॉलिसी है वो एक ग्रुप के लिए होगी, वो सभी के लिए होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। और हम खुद सिर्फ तरक्की नहीं करेंगे, हमारे आसपास जितने हमारे नेबर्स हैं वो भी तरक्की करेंगे। ये इंडिया का मोटो भी है, MEA का मोटो भी है ये, आप देख रहे हैं हम भूटान का कभी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। चाइना ने जो डोकलाम में हुआ वो भूटान और चाइना का इशू था, लेकिन इंडिया ने सीधा जाकर वहाँ खड़ा हो गया और सीधा टक्कर में आए चाइना के साथ। मालदीव्स की बात करिए, ऑपरेशन पोलो की आप अगर बात करते हैं, फिर उसके बाद आपका लिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश 1971, राइट। नेपाल को के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर जितने भी वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं आते हैं इंडिया में, ट्रेन होते हैं, वापस जाकर अपनी कंट्री में सर्व करते हैं। सेम ऐसा ही हम मालदीव्स के साथ भी करते हैं, काफ़ी अफ्रीकन नेशंस हैं, हम उनको भी ट्रेन करते हैं। तो सिर्फ हम तरक्की ना करें, आसपास के हमारे नेबर्स और वर्ल्ड में जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स या ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए, तो ये तो हमारे नेबर्स हैं माय डियर फ्रेंड इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया स्पेसिफिकली बोलता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में कि एनिमी स्टेट्स एंड द फ्रेंडली नेशंस, तो एनिमी स्टेट्स के अंदर पाकिस्तान एंड चाइना आते हैं, फ्रेंडली नेशंस के अंदर अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सभी आते हैं, राइट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर जो एनिमी स्टेट है वहाँ पर ट्रेड रिस्ट्रिक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड नहीं होता पाकिस्तान और चाइना के साथ, रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो इतना फ्री फ्लो नहीं होता, इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होता। हालांकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन वो भी चालू है, ट्रेन भी है, बस भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्टेड है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अगर डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है कंट्री की, तो यूनिफिकेशन भी हो जाती है। एग्जाम्पल जर्मनी का, उसमें क्या होता है, ये एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। एक्चुअली होता क्या है, स्टार्टिंग में पहले होता है आपका सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, जिसके अंदर कभी सेक्रेटरीज जाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के जाते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, आपके डिफेंस मिनिस्ट्री, आपके टूरिज्म, कल्चर, ये सभी जाते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी लेवल की जो जितने भी डायलॉग्स होते हैं, एक राउंड हो, दो राउंड हो, 10 राउंड हो, जितने मर्जी, जितनी बातें सोल्व हो जाती हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री लेवल टॉक होती है, फिर मिनिस्ट्री लेवल टॉक, मिनिस्ट्री लेवल टॉक के बाद हेड ऑफ द स्टेट्स, और फिर या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जाकर मीटिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस ढेर सारा आ जाता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फिर वीज़ा फ्री हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है बॉर्डर की, इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है वीज़ा वगैरह के ऊपर या वीज़ा ऑन अराइवल, ये सब चीज़ें, क्योंकि अब इतने ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं आसपास, तो बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ये चीज़ हो सकती है सेक्रेटरी लेवल से मिनिस्ट्री लेवल, फिर हेड ऑफ़ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एंड देन बॉर्डर हटा दिया जाता है। अब आप सभी को मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से बॉर्डर हटाने की कोशिश हमने बहुत बार करी, लेकिन अक्सर जैसे ही हमारे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ़ द स्टेट वहाँ जाते हैं, उसी के 2-3 महीने बाद ये लोग आ जाते हैं, और फिर कभी संसद पे हमला, कभी कसाब जैसा आ जाता है, कभी ट्रेन के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं, कभी सरोजनी नगर ब्लास्ट कर देते हैं, कभी लाजपत नगर ब्लास्ट कर देते हैं, कभी मुंबई लोकल्स में ब्लास्ट कर देते हैं। हाँ जी तुषार जी, राइट,
बाकी जो दूसरे ड्यूटीज़ होती है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, आपको मालूम है कि जब यहाँ पर अमेरिका की फ़ौज आई थी या नाटो अलायंस आया था यहाँ पर, तो जो सिविल लाइफ है वो एकदम डिस्ट्रक्ट हो गई थी, एकदम हैम्पर हो गई थी। तो जब से यहाँ से ट्रूप्स वापस गए हैं, विड्रॉ हुआ है, तो इंडिया इसके साथ काफ़ी टच में है, कभी मॉक भी किया है। यूएस के प्रेसिडेंट ने हमें मॉक भी किया है कि लाइब्रेरीज बना रहे हैं हम लोग वहाँ पर, ये एटलीस्ट हम पढ़ने को दे रहे हैं ताकि वो सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रिज भी बना रहे हैं, काफ़ी कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऊपर भी काम कर रहा है इंडिया। तो अफगानिस्तान के साथ तो ये है, मालदीव्स को तो रिस्टोर करके एक छोटे भाई की तरह लेकर चलते हैं, श्रीलंका के साथ भी काफ़ी ट्रेड है हमारा, बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी ट्रेड है, भूटान आपको मालूम है वही स्थिति में जैसे मालदीव्स के साथ है, और आपका नेपाल, नेपाल अभी थोड़ा बहुत इसके इंक्लाइन हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा फ्री ट्रेड काफ़ी होता रहता है नेपाल के साथ। माय डियर फ्रेंड, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर नेबर्स को एक्सक्लूसिवली वो कैसे देखता है, वो कह रहा है कि कॉमन डेस्टिनी है हमारी नेबर्स के साथ, जैसे नेबर्स चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे, हम अकेले भीड़ में नहीं भागेंगे, ठीक है। फिलहाल सुनिए, थैंक यू सो मच, फिलहाल सुनिए, मैं सफिशिएंट क्या है चीज़ें मैं बताऊंगा आगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैं बता रहा हूँ उसमें से, लेकिन आप समझिए पहले चीज़ों को। तो नेबर्स के साथ ही हम लोग चलेंगे, अब नेबर्स हमारे साथ चले ना चले हम उसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है, हमने अग्नि वगैरह भी बना रखी है। Relations with the Bhutan developed further in the year of His Majesty's coronation and the introduction of democracy in Bhutan. जो वहाँ पे पहले मोनार्की चलती थी, लेकिन वहाँ पे बाद में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी भूटान में इंट्रोड्यूस करती थी, ये बात भी 2010-11 के आसपास की है, कोरोनेशन हुआ था वहाँ पर किंग जिंगमे केसर समथिंग द नेम ऑफ द मोनार्क ऑफ भूटान। So India has strongly supported Nepal's transition into a democratic polity and the restoration of democracy in Bangladesh. Bangladesh में democracy restore करती 1971 के अंदर, and Nepal के साथ काफ़ी help करता है, जैसे मैंने starting में बताया कि काफ़ी IAS civil servants आते हैं, diplomats आते हैं और यहाँ पर आकर training लेते हैं और वापस जाकर अपने nation में serve करते हैं। India has contributed to the construction and development of Afghanistan. अभी just मेरी बात हुई आपसे। Apart from maintaining friendly and close bilateral relation with its neighbor, India has also worked for the evolution of SAARC into a result-oriented organization. SAARC की जो meeting है काफ़ी time से नहीं हुई है, SAARC की meeting काफ़ी time से नहीं हुई है, suspended mode में चल रही है। नमस्कार जी, अरे राइट। तो SAARC का एक्चुअली मोटो क्या था हमारे पास, कॉमन चैलेंजेस जैसे टेररिज्म को ख़त्म करना है, और टेररिज्म सपोर्टिंग कंट्रीज ही SAARC के अंदर हैं एक दो, इसीलिए वो सस्पेंडेड मोड पे चल रहा है, ठीक है। तो नियत को समझो थोड़ा लोगों की, चलिए। माय डियर फ्रेंड, इंडिया हैज़ बिन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ एसिमेट्रिक एंगेजमेंट टू द स्ट्रेंथ ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ सिक्योरिटी एंड द वेलबींग ऑफ आवर नेबर्स विद बहुत bilateral एंड the SAARC mechanism. Bilateral relation, इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा होगा, इंडिया भूटान का इंडिविजुअली कैसा होगा, इंडिया बांग्लादेश का कैसा होगा, तो bilateral भी चलते हैं और सबको एक साथ लेकर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में भी हम चल रहे हैं कि SAARC के अंदर क्या होना चाहिए, BIMSTEC में क्या होना चाहिए, IPSA में क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर एक तो होता है bilateral, एक होता है मल्टीलेटरल। बायलेट्रल है आपका कंट्री टू कंट्री, ठीक है, बायलेट्रल दो कंट्री, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इन सब का रिलेशन कैसा। मल्टीलेटरल जैसे कि SAARC, SCO, यूनाइटेड नेशंस, G7, ये सभी कंट्रीज जो आती हैं इसके अंदर। अब इंडिया नेबर्स के साथ भी एंगेज है और इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग ब्लॉक भी हैं, जैसे एशिया की मैं बात करूँ, मैं एक मिनट, स्पेस नहीं मिल रहा एक्चुअली मुझे, नॉट फाइंडिंग इट, यहाँ लिखें, चलिए एशिया की बात करें अगर हम, तो एशिया में SCO जिसमें चाइना रशिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन पे है, ये SAARC हो गया, BIMSTEC हो गया, एशियान हो गया, ईस्ट एशियन नेशंस, उसके साथ हमारा OPEC हो गया, ये सभी एशिया की है।
अफ्रीका की है आपकी अफ्रीकन यूनियन, यूरोप की है आपकी यूरोप यूनियन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है आपकी नाफ्ता नाफ्ता, साउथ अमेरिका में है आपकी मर्क्यूसर मर्क्यूसर, ठीक है, और ऐसे ही आपके पैसिफिक के अंदर एपेक और आजकल क्वाड आ रखी है ना। क्वाड के अंदर डायरेक्टली एंगेज नहीं है इंडिया। अब यहाँ पर देखिए कि कॉन्टिनेंट वाइज कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं, उस कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कितने उन कंट्रीज की का ब्लॉक है और इंडिया का उनके साथ कैसा रिलेशन है। हर किसी के साथ रिलेशन है इंडिया का, इंडिया का SCO के साथ भी, SAARC के साथ भी, BIMSTEC भी, एशियान में भी, आपके OPEC के अंदर भी, आपके APEC के अंदर भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है, अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया पीस कीपिंग फोर्स देती है जिसके अंदर आपके CAPF, CISF, आपके इंडो टिबेटियन, ये सभी आपका असम राइफल्स, ये सभी जाते हैं और काफ़ी, थैंक यू सो मच। आपको ये सुनने में काफ़ी छोटी बात लगेगी लेकिन बात बहुत बड़ी है, इंडिया वहाँ पर जाकर ग्लूकोज एंड प्रोटीन रिच बिस्कुट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू जी आशीष कुमार जी, इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया क्वाड में जाता नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता, ठीक है जी। चले मैं खली थोड़ी हूँ जो खली वाले मैसेज मेरे को कर रहे हो आप, ये खली हो करो यार जाके। चलिए ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि नाफ्ता के साथ इंडिया के रिलेशन है, नाफ्ता अब चेंज हो गया है, अब उसका कुछ और नाम है कि जिसके अंदर मेक्सिको, USA और कनाडा, इनका एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है और इंडिया के साथ इनके ट्रेड कैसे हैं। इसी के साथ साथ मर्क्यूसर, ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं मर्क्यूसर, जिसके अंदर अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, ये सब आते हैं। क्वाड मेंबर्स, APEC, अफ्रीकन यूनियन, ये सभी के सभी कॉन्टिनेंट वाइज काम करते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बिस्कुट क्यों देते हैं माय डियर फ्रेंड, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका इज़ अ वॉर जोन, जो नॉर्थ अमेरिका है, सूडान, सोमालिया, इथोपिया की तरफ इज़ अ वॉर जोन। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स को कन्वर्ट किया जा रहा है रिलीजियस बिलीव्स के चलते। ट्राइब्स का क्या क्या, ट्राइब्स का कुछ रिलीजन नहीं होता है एज सच, वो नेचर को वर्शिप करते हैं या नेचर को फॉलो करते हैं, बट नॉर्थ अमेरिका में रिलीजन चला गया है, राइट, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारी नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका में। अब वहाँ पर धीरे धीरे क्या है, अवेकनिंग भी आ रही है, उसी के साथ साथ ज़्यादा वायलेंस भी बढ़ गया है, डिवीज़न भी हो रहा है कुछ कंट्रीज़ का, सूडान का जैसे हुआ वहाँ पर, तो वो एक वॉर जोन है। अब इंडिया का वहाँ पर क्या काम है कि पीस कीपिंग फोर्स भेजती है वहाँ पर कि जो सिविल वॉर छिड़ी हुई है उसको हटाया जाए और जो बेगुनाह, जो मासूम लोग हैं, जो आपके इनोसेंट हैं, उनको शेल्टर दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। तो जो बच्चे उनको बिस्कुट ज़्यादा दिए जाते हैं और अफ्रीका में माल नरिशमेंट है बच्चे उनकी नंबर ज़्यादा है सोमालिया सूडान में, तो इंडिया इज़ डूइंग प्रिटी गुड और पीस कीपिंग फोर्स इंडिया भेजती रहती है। मैं अभी नंबर्स भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। आपको लगता है कि बस हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया की जो रिस्पेक्ट है आज के डेट में वर्ल्ड में वो शायद किसी और देश की होगी। चलिए माय डियर फ्रेंड, मैं आ रहा हूँ इंडिया बिम्सटेक के ऊपर। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, अगर मैं सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा तो मुझे पूरा दिन चाहिए होगा उसके लिए, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपकी नॉलेज भी धीरे धीरे ही बढ़े, एकदम से मुसीबत हो जाती है फिर सारी। कुछ भी दे सकते हैं, बन तो इंडिया में रहना, चाहे पार्ले जी हो चाहे पतंजलि हो, बिल्कुल देते हैं, ठीक है। मैंने ये सोचा नहीं था,
मुझे अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो मैं भी कुछ कोशिश करूँ अपना बिस्कुट वगैरह बनाने की, तो मैं भी भेज दूँ सनी बिस्किट, प्रोटीन रिच डाइट। चले जी, नहीं आप गलत कह रहे हो, उसमें से एक अभी एस्पिरेंट बोल रहे हैं कि वॉर करो तो पीओके में मिल जाएगा, ये फोर साइटेडनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड, आप समझिए बात को। अभी तो आप अपने मैप के लिए तो आवाज़ उठाते नहीं हैं, उठाते हैं आप लोग मैप? अभी वर्ल्ड मैप उठाकर देख लीजिए और इंडिया का मैप उसके अंदर लोकेट कीजिए, आप कहाँ कहाँ आवाज़ उठाएंगे? इतना गलत मैप दिखाया जाता है, पूरा पाकिस्तान का और चाइना का मैप चल रहा है, इसका मतलब कौन? चाइना कर रहा है सब कुछ काम, और उसका जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है उसका पाकिस्तान, वो भी उसके साथ उसको भी फायदा करवा रहा है। कैसे? इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत ज़्यादा ना, आप पे सारे रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के चाइना यूज़ कर रहे हैं, और मैप दिखा रहा है गलत इंडिया का कि देखिए ये तो एक्वायर्ड है, ये तो हमारा लैंड है, उधर से पीओके और उधर से अपना अक्साई चीन, दोनों के दोनों गलत दिखा रहे हैं। आप कितनी आवाज़ उठाएंगे? वॉर करके फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमारे देश के अंदर हर एक इंसान कमाएगा नहीं और वो टैक्स नहीं देगा और गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ नहीं बढ़ाएगा, तब तक हम पाकिस्तान को नहीं दबा सकते। हमें अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट फैले दुनिया के कोने कोने में, हमारी पेनिट्रेशन बढ़े, हमारी प्रोडक्ट जाए, हमारे प्रोडक्ट को लोग अपनाएं, और जहां भी हम खड़े हो जाएं भैया भारत का नाम आएगा कि इंडिया विल हेल्प, और फिर हम बोलेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल एक बार के अंदर हमारी प्रेजेंस है, और इंडिया की पॉलिसी आप देख ही रहे हैं, पीसफुल मींस के साथ चलना। अभी काफ़ी लोग, कुछ अनपढ़ जाहिल गवार लोग, इसराइल ने इंडिया का नाम ले लिया जब उसने थैंक यू किया, इसराइल ने इंडिया का नाम ले लिया जब उसने थैंक यू किया आपके नेतन्याहू ने। इंडिया कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, पहली बात आप समझिए, इंडिया कभी भी रिलीजन के मामले में, लैंड के मामले में आउटस्पोकन नहीं है। इंडिया आउटस्पोकन है रेसिज्म के मामले में, एपार्थाइड के मामले में, टेररिज्म के मामले में, और कूप डिटेट कहीं पर हुआ है तो वहाँ पर इंडिया उसको स्ट्रांगली अपोज करता है जब कभी एपार्थाइड रेसिज्म या फिर टेररिज्म की बात आती है। लेकिन इंडिया दो कंट्रीज़ के बीच में कलेश है उसके अंदर कभी नहीं आता है, कभी पचड़े में नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि मैंने बड़ी मुश्किल से रिलेशन सबके साथ बनाए हैं, सबको कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से लिया है, मैं किसी एक पार्टी का साथ देकर या एक ब्लॉक का साथ देकर मैं दूसरे को नाराज़ नहीं करूँगा। तो इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वी आर सपोर्टिंग इसराइल और वी आर अगेंस्ट इसराइल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने, लेकिन आपके एक्शंस बता देते हैं कि आप किस तरफ हैं, तो वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। कूप डिटेट, तख्ता पलट, मिलिट्री राज, जैसे पाकिस्तान में आप उसने क्या नाम था उसका, परवेज मुशर्रफ। चले जी, इंडिया बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टोरल ट्रेड के अंदर भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी, कम्युनिकेशन के अंदर भी, ट्रेड के अंदर भी, हर एक चीज़ के अंदर आपकी कोऑपरेशन होनी चाहिए, मल्टी सेक्टोरल। ठीक है, और दूसरे देश रिसोर्सेज लूटने में लगे हुए हैं ना, और मुझे आपकी बात समझ नहीं आई मोटिवेशनल कॉर्नर जी कि मैं पूरा किस चीज़ का मानूंगा, मुझे समझ नहीं आई बात। चलिए जी, बिम्स्टेक इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर्स,
स्टेट अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन, जैसे कि इसका नाम है बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल जितने भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल के साथ के रीजन में आती है वो सभी का एक कोऑपरेशन है। उसके अंदर वो क्या करेंगे, ट्रेड के अंदर हेल्प करेंगे एक दूसरे की, सिक्योरिटी के अंदर हेल्प करेंगे एक दूसरे की, कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करेंगे, ये इन सब चीज़ों के ऊपर। मैंने आज पीडीएफ सेंड कर दी है टीम अर्पित पे और रैंकर्स पोर्टल के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब बिमस्टेक आपके कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिक लिंक बिटवीन द साउथ एंड साउथ एशियन नेशन विद फाइव मेंबर्स फ्रॉम द साउथ एशिया। साउथ एशिया से फाइव मेंबर्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और दो मेंबर आपके साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार एंड थाईलैंड। बिमस्टेक रीजन ब्रिंग्स टुगेदर 1.67 बिलियन पीपल एंड द कंबाइंड जीडीपी ऑफ अराउंड 2.88 ट्रिलियन, काफ़ी बड़ा है। ठीक है जी, बिमस्टेक 1.67 बिलियन लोग को फ़ायदा पहुंचता है इंटर ट्रेड से, और कितने ट्रिलियंस का काम होता है, 2.88 ट्रिलियन का। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1997 में थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब यह सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, आप शायद पहला एग्ज़ाम देंगे यूपीएससी का, या सेकंड देंगे या थर्ड देंगे आप में से कई लोग, लेकिन मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे चुका हूँ एन नंबर्स, ठीक है, अपने ट्वेल्थ के बाद से लेकर के अपने जब तक मेरी एज 29 नहीं हो गई तब तक मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो कुछ लोग पढ़ाने लगे हैं अभी और उनके कुछ चमचे यहाँ पर आ भी रहे हैं। ठीक है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके यहाँ चीज़ें शेयर करते हैं, जोश में नहीं। देखिए दोस्तों ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ये करो फोट डालो, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो बात है वो है। अब यहाँ पर यूपीएससी आपसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। रीज़न माय डियर फ्रेंड, ये 2020 में इसकी एनिवर्सरी थी और इंडिया ने काफ़ी चीज़ें अनाउंस करी है बिमस्टेक को लेकर। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन बिमस्टेक की फाउंडेशन है 1997, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, डन। चलिए माय डियर फ्रेंड, बिमस्टेक इनिशियली इसको बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, बिस्टेक, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके बिमस्टेक कर दिया 2004 में। ठीक है, चलिए आगे माय डियर फ्रेंड, परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका, ढाका में है। कब से, 2014 से एक परमानेंट ऑफिस है इसका ढाका में। श्रीलंका इज द करंट चेयर ऑफ द बिमस्टेक, ये घूमती रहती है, चेयर करते रहते लोग। फॉर इंडिया बिमस्टेक इज अ नेचुरल चॉइस टू फुलफिल देयर फॉरेन पॉलिसी। एक्चुअली इंडिया के पास ना वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों वर्ल्ड के साथ उसको लेकर चलना है। पहले इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, कि हम वेस्ट के पीछे भागते रहते थे या फिर वेस्ट से ही सारी मदद की गुहार करते थे, वहीं से इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते थे, लेकिन फिर बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी आई और अब उसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है, कि ईस्ट की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ पर मार्केट की कमी नहीं है। आज कोई है नहीं क्या मॉडरेटर, किसको बनाऊं, सागर जी, लो जी, मुझे यार स्पैम नहीं चाहिए, सागर बेस्ट स्पैम नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो इंडिया की जो एस्पिरेशंस है वेस्ट और ईस्ट को एक साथ लेकर चलने की, और इन्वेस्टमेंट इंडिया को चाहिए, और इंडिया फिर धीरे धीरे टेक्निकल फील्ड के अंदर एक मास्टर बनेगा, एक पायनियर बनेगा, और फिर वो अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में बेचेगा। तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें मार्केट चाहिए। ऐसे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी
अब वहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहाँ पर चाइना की पेनिट्रेशन है, चाहे वो आप लाओस ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, थाईलैंड, ताइवान, ये सभी चीज़ें, यहाँ तक कि जो आपके पैसिफिक नेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जितनी कंट्रीज है वहाँ भी चाइना की पेनिट्रेशन है, किरीबाती की तरफ, पपुआ न्यू गिनी की तरफ वहाँ भी, और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी क्वाड के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑस्ट्रेलिया ही रहता है, क्योंकि वो काफ़ी सीख हो चुका है चाइना से, और उसकी इकोनॉमी के जो इंडिया के साथ था ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो चाइना के साथ, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, सारा का सारा पैसा उसका चाइना, चाइनीज लोग लेकर जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट वहाँ बेचकर। इंडिया बहुत पहले सतर्क हो गया था, आई थिंक इंडिया 4-5 years back उसने एक्शन ले लिया था कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को वहाँ से ढकेलना है, जैसे कि आपने देखा कि लड़ियाँ वगैरह मत जलाओ, कैंडल्स जलाओ दिवाली के ऊपर, पिचकारियाँ वगैरह खरीद रहे होली पर तो वो चाइनीज़ नहीं इंडियन खरीदो, तो इंडिया काफ़ी पैसा, सॉरी चाइना काफ़ी पैसा इंडिया से लेकर जा रहा था, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया उसका जो कंपास है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी एक्टिव हो गया, और अब कोरोना वायरस के बाद से सारा का सारा ब्लेम चाइना के ऊपर है, तो सारी सभी कंट्रियों के पास एक अच्छा मौका है अपनी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का, राइट, तो इंडिया भी उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था आत्मनिर्भर भारत से या फिर वोकल फॉर लोकल को लेकर। ठीक है जी, द प्रेजेंस ऑफ बिम्स्टेक लीडर एट द गवर्नमेंट स्वेयरिंग इन सेरेमनी इन मे 2019 रेनफोर्स द ग्रोइंग स्टेटस ऑफ बिम्स्टेक इन द रीजन। और माय डियर फ्रेंड, बिम्स्टेक रीजन के ग्रोथ के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन से है बिम्स्टेक में। एक तो काउंटर टेररिज्म, ये तो लीड रोल में रहता है, ये सबसे ऊपर लिस्ट में रहता है कि काउंटर करना है टेररिज्म को। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पर। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट माय डिफरेंट, कल्चरल कोऑपरेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। याद आया कुछ जब मैंने आपको बोला कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बाद फिर वीज़ा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वीज़ा नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाता है, ये उसी लिए। क्लाइमेट चेंज, ईच कंट्री टेक लीड इन स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया है वहाँ पर, उनको उनका कल्चरल कोऑपरेशन एक जैसा है कल्चर, ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाता है उनका, एग्रीकल्चर है वहाँ पर, इंडिया में भी एग्रीकल्चर है, एनर्जी, इंडिया के अंदर एनर्जी काफ़ी पोटेंशियल है, पॉवर्टी एलिवेशन की जरूरत है म्यांमार को, इंडिया के अंदर भी कुछ पॉपुलेशन को, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अगर सबके लिए होगी तो सबके लिए अच्छा है। टूरिज्म की अगर बात करें तो थाईलैंड इज़ वेरी फेमस, राइट। चलिए, इंडिया इज़ द लीड कंट्री इन 4 areas, किसके अंदर, काउंटर टेररिज्म जो उसने मेथड्स अपनाने हैं वहाँ, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, टूरिज्म के अंदर एंड एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जितनी भी मदद कर सकता है। नो, आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम NCERT, आई एम टीचिंग फ्रॉम MEA's डाटा, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स माई डिफ्रेंड। चलिए, 20th anniversary ऑफ बिम्स्टेक माई डिफ्रेंड, यहां पर इंडिया ने क्या क्या चीजें बना कर दी थी। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे, बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द ICC, बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द ICC अगरतला के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आई थी, टेक्सटाइल के ऊपर बात हुई थी, मेडिसिन के ऊपर बात हुई थी, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपो के ऊपर बात हुई थी, तो इंडिया एक लीड रोल में रहता है बिम्स्टेक के अंदर, और बिम्स्टेक के क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट करेंगे प्लीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिम्स्टेक से क्वेश्चन नहीं आया, SCO से क्वेश्चन आए हैं, एशियान से क्वेश्चन आया, बिम्स्टेक से काफ़ी टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि इस कमिंग NDA 2 में ये पूछ सकते हैं, इसलिए आप रखेंगे इसके ऊपर नज़र। ठीक है जी, डन। चलिए आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं, एक जंप लेकर चलते हैं, अभी हम नेबर्स की बात कर रहे थे, बे ऑफ बंगाल के अंदर बात करी, अब सीधा हम यूरोप की तरफ चलते हैं, तो यूरोप के अंदर एक ट्रेडिंग ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, आप सभी जानते होंगे, जिनकी एक कॉमन करेंसी है यूरो जिसको बुलाते हैं, तो इंडिया यूरोप के बीच में कैसे रिलेशन है, एक्चुअली रिलेशन सेट करना है या तो ट्रेडिंग पार्टनर होगा कि आप चलो ट्रेड करते हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं, सिक्योरिटी के लिए जो हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, सैटेलाइट्स के ऊपर बात नहीं करते हैं,
तो ये सब चीज़ों के ऊपर जब बात होती है तो वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम बन जाते हैं। जैसे कि हमारी इसराइल के साथ बात होती है, रशिया के साथ बात होती है, जापान के साथ बात होती है, अमेरिका के साथ बात होती है, पूरे के पूरे यूरोप से बात होती है। तो यूरोप भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के अंदर आता है हमारे, राइट। तो यूरोपियन यूनियन, माय डियर फ्रेंड, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन कब से है? 1960 से है माय डियर फ्रेंड। और डिप्लोमेटिक रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने सेट किए थे 1962। ज्वाइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट साइंड इन 1993, कपल्ड विद द कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड इन 1994। और उससे हुआ क्या था, बायलैटरल टाइज खुल गए थे यूरोपियन यूनियन और इंडिया के। तो जो ट्रिलियंस के अंदर ट्रेड होता है स्विज़ कनाल से, वो सारा का सारा आपका यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और आप सभी जानते हैं कि आपकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, आपके कम्युनिकेशन के अंदर और उसी के साथ साथ आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितने भी आर्म्स एंड एमुनेशन चाहिए वो डायरेक्टली सप्लाई भी होते हैं और उसके स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं, राइट। चलिए, चलेंगे जी आगे। 15th इंडिया यूरोपियन समिट, ये कहाँ हुई थी? ये 2020 में हुई थी, 15 जुलाई, इट मीन्स लास्ट ईयर ही, ये वर्चुअली हुई थी। और माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी? इसके अंदर आपके ऊपर वैक्सीनेशन के ऊपर बात हुई थी और इसी के साथ साथ आपका फंड्स के ऊपर बात हुई थी और उसी के साथ साथ आपको मालूम है कि उस टाइम पर हम चाइना के साथ एंगेज थे वॉर में, तो आपके आर्म्स एंड एम्यूनेशन के ऊपर भी बात हुई थी, राइट। चलिए माय डियर फ्रेंड, यूरोप से निकलकर आते हैं, पहले बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे थे, अब आईओआर की बात करेंगे। आईओआर क्या है आपका? इंडियन ओशन रीजन, माय डियर फ्रेंड, इंडियन ओशन रिम भी कह सकते हैं इसको, इंडियन ओशन रीजन भी कहते हैं इसको। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फॉर्मल नाम भी है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? 36 में से 21 कंट्रीज काफ़ी एक्टिव रहती है इसमें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मलेशिया, मेडागास्कर, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, ओमान, सिचली, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। इंडियन ओशन रीजन के अंदर पाकिस्तान जैसी कंट्री टेररिज्म एक्टिविटीज़ ना करें, उसी के साथ साथ सोमालिया के पायरेट्स ना हो, उसी के साथ साथ चाइना का मोनोपोली ना रहे, तो सारी कंट्रीज़ एक साथ जुड़ जाती है और वहाँ पर मोनोपोली होने से रोकती है कि चाइना की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। वो इश्यूज़ को लेकर जाती है इनक्लोज के पास या फिर यूनाइटेड नेशंस में कि ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। सीरिया के पीछे पड़ जाओ, जो मैं बता रहा हूँ वो मत सुनो, ठीक है, वो अलग इशू है। ठीक है जी। तो आईओआर, आई होप आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, इंडियन ओशन रीजन या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पहली बार सुना होगा। उसके अंदर देखिए चाइना नहीं है और पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर इनका जो मोटिव है वही कि जो चाइना की मोनोपोली है उसको हटाना है इंडियन ओशन रीजन से, क्योंकि वो वहाँ से सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती हुई अपना रेड सी और उसके बाद फिर स्विज कनाल के ऊपर मोनोपोली कर सकता है चाइना, ठीक है जी। डायलॉग पार्टनर्स के अंदर चाइना आता है, इजिप्ट आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, यूके आता है, यूएसए आता है, जर्मनी आता है। 2013 में इंडियन ओशन रीजन को बनाया गया था और कहाँ पर इसको फाउंड किया था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडियन ओशन रीजन। इंडिया इसके अंदर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये पर्टिकुलर IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इतना इम्पोर्टेंट क्यों इंडिया के लिए और इंडिया क्या क्या कर रहा है उसके लिए? माय डियर फ्रेंड, 2008 में कसाब आया था और वो आए और घुस गए
इतना मैसेकर किया, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक शर्म वाली बात थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि नेवी क्या कर रही थी, कोस्ट गार्ड क्या कर रहे थे कि एक बोट पर बैठ के कुछ आए और आकर उन्होंने ऐसा मैसेकर कर दिया। वो ट्रेन में, ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपके ताज में भी घुस गए और उनके पास आर्म्स एंड एमुनेशन है, सिक्योरिटी में पकड़े नहीं गए वो लोग, क्या कर रहे थे ये लोग सभी। और उससे पहले ये दिल्ली में हो चुका था, उससे पहले मुंबई में भी हो चुका था वो, तो ये क्या चल रहा था, ये क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद से इंडिया एकदम सतर्क हो गया, जितने फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश थी ना, मैच खेलो पाकिस्तान के साथ, ऐसा करो वैसा करो, ये टूर करो वो टूर करो, मूवीज़ वालों को बुलाओ, ये सभी चोचले हमसे तो होते नहीं है देखो, ठीक है भैया। पाकिस्तान इंसान का बच्चा बन कर आएगा तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, अगर वो अपनी औकात दिखाएगा बात बात पर तो हमें ठीक से उसको ठिकाने लगाना भी आता है, ठीक है। और जबकि हम कुछ कह भी नहीं रहे उसको, अपना काम करता रहना भाई, तो दूसरों को क्यों, दूसरों के मामले क्यों इंटरफेयर कर रहा है। चलिए, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया ने एक वर्ड प्रोपाउंड किया था, सागर। क्या यूज किया था? सागर, ठीक है जी, हाँ याद रहेगा आपको। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इट इज़ इंक्रीजिंग रिकग्निशन ऑफ द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम कॉमन एंड द कोऑपरेशन। आप ट्रेड कर सकते हैं, आप कंसाइनमेंट्स भेज सकते हैं, आप कंटेनर्स भेज सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पीस होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब पूरा का पूरा साउथ चाइना सी तो ब्लॉक करके रखा हुआ, कैसे चलेगा काम अब चाइना ऐसी मनमानी करेगा, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आएगी। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया कुछ बनाए ना, अरे अब खतरा आप हमारे लिए हो भाई, तो इंडिया तो अपनी सिक्योरिटी के लिए तो इंडिया का तो काम करेगा ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इंडिया इतनी इस रेंज की मिसाइल ना बनाए, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग ना करे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स ना बनाए, सबमरीन्स ना बनाए, स्कॉर्पिन क्लास, ये सब चीज़ें वो तो करेगा, ये तो बट ऑब्वियस हो जाता है। आप पहले खुद को देखिए ना, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुंदक आती है जब जब मैं वर्ल्ड मैप देखता हूँ और इंडिया का मैप मुझे गलत दिखता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, इंडियन ओशन जितना वो आपका मैरिटाइम वाटर जिसके साथ लगता है, जिन कंट्रीज के साथ, वो सभी के सभी उसके अंदर मेंबर्स हैं। 21 कंट्रीज आर द मेंबर्स, और इसलिए बनाया गया कोऑपरेशन की ट्रेड हो सके, रीजन के अंदर सिक्योरिटी आ सके और पीसफुल तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन किया जा सके, ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम कॉमन एंड दी कोऑपरेशन उठ के आया सामने, ठीक है। तो सागर इंडिया ने बनाया था, और सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फॉर एग्जांपल, मैडागास्कर के पास एक ऐसी स्पीसीज है, एक ऐसा टिम्बर है उसके पास जो काफ़ी फेमस हो सकता है, या फिर चंदन की लकड़ी है, चलिए मान लीजिए एक मिनट उसके बाद, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि उसके पास मीन्स नहीं है। वहाँ पर मान के चलिए कि ट्राइब्स हैं और वो आने नहीं देते टूरिज्म, या फिर दूसरे नेशंस को आकर सेट होने नहीं देते वहाँ पर। तो ऐसे में सारे लोग मिलेंगे, मेडागास्कर से बात करेंगे और कहेंगे हम यहाँ पर अपना ऑफिस खोल रहे हैं, आपकी जो लकड़ी है इतने दाम पर बिकेगी, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपके फंड्स बढ़ेंगे, आप यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाइए, आपकी हेल्थ सेक्टर के लिए काम कीजिए, एजुकेशन के लिए काम कीजिए, पीने के पानी के लिए काम कीजिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कीजिए, ये सब काम होंगे ऐसे, ठीक है। तो कोऑपरेशन, तो और मेडागास्कर को क्या है, हेल्प मिल जाएगी कि चलो ठीक है, यहाँ पर आकर बेड़ा तैयार कर दिया और उस बेड़े से मेरी लकड़ियाँ जा रही हैं, और वहाँ पर वो गिफ्टेड है कंट्री, अगर वहाँ पर ऐसी स्पीसीज मिलती है कुछ। मैंने एग्जांपल की बात
एग्जाम्पल दिया सिर्फ आपको, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ सागर के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी अगेन वही सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है ब्लू इकोनॉमी। इट मीन्स मैरिटाइम सिक्योरिटी इतनी करो कि हमें पानी से ही ट्रेड करना आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है जी, ट्रेड करना आसान हो जाए। तो एक बुक लिखी थी 2010 के अंदर गंटर्स पॉलीज के ऑथर, तो उन्होंने बोला था कि 10 साल और 10 ऐसी इनोवेशंस जिससे कि 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, 100 मिलियन जॉब्स मैरिटाइम के रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई, यहाँ पर फिशरीज की बात हुई, मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट की बात हुई, टूरिज्म की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई। काफ़ी गंदा हो जाते हैं समुद्र, है ना। अभी पीछे जो तोकते आया था, तोकते का जब पानी रिट्रीट हुआ तो सारा का सारा गार्बेज कोस्टल एरियाज पे था। अब जो नेचर को दोगे, नेचर भी आपको वैसे ही देने वाली है सब कुछ, ठीक है जी। चाइना, सही कह रहे हो आप, इंडिया कमज़ोर पड़ गया था, यहाँ पर लीडरशिप की बात है। जब आप जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे सबके सामने तो फिर आप कमज़ोर ही रहोगे, ठीक है जी। बात इतनी सी है, जो मैं बता रहा हूँ वो बता दीजिए, वो समझ लीजिए, मतलब कहने की बात है। ब्लू इकोनॉमी समझ गए, ब्लू इकोनॉमी मैरिटाइम को के साथ लेकर, तो इंडिया ने, इंडिया ब्लू इकोनॉमी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है और सागर प्रोपाउंड किया था इंडिया ने, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी आपके, एक सेकंड रुकिए, अफ्रीकन नेशंस ने स्टार्ट किया था, मैं स्पेसिफिकली वही देख रहा था, कहीं लिखा तो मार्क करके दिखा दूँ। तो अफ्रीकन नेशंस ने स्टार्ट किया था ब्लू इकोनॉमी और वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी मदद मिल सकती है। अफ्रीका एशिया कनेक्टिविटी मैरिटाइम के जरिए IOR में हो सकती है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। डन माय डियर फ्रेंड, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इंडिया काम भी क्या कर रहा है, इंडियन ओशन के अंदर काफ़ी बात करता है इंडिया, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो अपने कोस्टल रीजन्स पे क्या कर रहा है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट इज़ वन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर छोटे बड़े मेजर माइनर पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और उन पोर्ट्स को रोड कनेक्टिविटी एंड रेलवे कनेक्टिविटी भी दी जा रही है, ताकि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से ट्रेड हो सके, राइट। उसके साथ साथ ओ स्मार्ट, दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो UPSC कभी कभी पूछ लेता है, ओ स्मार्ट। मैराथन कल है, मैं अभी लिस्ट कर दूंगा आफ्टर दिस क्लास, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो ओ स्मार्ट माय डियर फ्रेंड क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर डेटाबेस तैयार किया जाए और उसको जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपकी मींस हैं ओशन से जुड़ी हुई, उसका एक डेटाबेस हो और सस्टेनेबल तरीके से फिर उसको यूज़ किया जाए। ये इंडिया ने बनाया माय डियर फ्रेंड, इंडिया ओ स्मार्ट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा आप, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, हालांकि इसके बाद मैंने आपके साथ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करना था, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्टे कनेक्टेड, मैं इसको करूंगा फिर कभी डिस्कस। कैसे करना था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास MEA का ही स्टेटमेंट है, MEA का ही मेरे पास डाटा है, ये पूरा का पूरा डाटा मैंने आपको बताना था लाइन टू लाइन कि इंडिया हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट स्टेट के अंदर, स्टेज के अंदर क्या क्या काम कर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसीलिए मैं इसको इत्मीनान से बताऊँगा। अभी 10-15 मिनट के अंदर फिर मैं बता नहीं पाऊँगा, मजबूरी को समझिए, ठीक है। तो इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक सेपरेट क्लास रखेंगे और फिर हम इसको एक बार अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। 8 पेजेस का सारा डाटा है, ये MEA का ही डाटा है और इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। मैं MEA बोल रहा हूँ, MIA नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ,
डन, गिव मी अ लाउड चीयर कि सेटिस्फैक्ट्री है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, है ना। कल की टाइमिंग वही रहेगी, 12:30 ही क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन वो मैराथन होगी, उसी के अंदर हिस्ट्री पूरी कवर कर लेंगे, ठीक है जी। डन, आज गाना सुनने की डिमांड नहीं आई है, आज नहीं सुनेंगे गज़ल वगैरह। अरे सूर्य प्रसाद जी, आप तो बहुत शरीफ हो, सीरियसली। IMA नहीं मैंने बोला था, मैंने MIA बोला था, ठीक है, और मैं बार बार MEA बोल रहा हूँ। अरे यार सही है। टाइमिंग 12:30 माय डियर फ्रेंड। अरे 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 जी, जबरदस्त। चलिए बढ़िया हो गया। अरे तो इरशाद कामिल, अच्छा इरशाद सॉरी, मुझे लगा इरशाद कामिल का गाना सुनना चाह रहे हैं आपको, लिरिसिस्ट हैं वो। नहीं मैं आज प्रैक्टिस करके नहीं, मुझे गज़ल सुनाने के लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गज़ल तो वैसे ही तैयार रहती है हमारी। एक बड़ी फेमस गज़ल है हरिहरन जी की, मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले शहर में कम नहीं आँखों से पिलाने वाले। कितनी बुरी आवाज़ है, कितना बुरा अलाप है, सब कुछ बेकार है। चलिए जी, डेट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।